नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं वो शख्स जिन्होंने भले ही ट्रॉफी नहीं जीता हो, लेकिन उन्होंने जीता है आप सभी का दिल। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप अभी भी बिग बॉस के जोन से बाहर आए हैं कि अभी भी उस जोन में चल रहे हैं? सर मैं सच बताऊं तो मैं इतना टायर्ड हूं, मेरी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को और मेरे जो क्लोज वंस से सबको मिलना, थोड़ा बट गेट टुगेदर करना, वो सब चल रहा है। बट हाँ, बिग बॉस के जोन से बाहर आ गया हूँ। बट बाहर आके मेरे को जो मैं चाहता था उससे बढ़कर मुझे मिला है। मैं उसमें इतना खुश हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बट मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमने देखा आपका वो वीडियो जिसमें मम्मा पापा सभी लोग मिलके आपका ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। क्या कुछ खाया पिया सबसे पहले घर में पहुंचने बाद? क्या खाया आपने ये बताइए, जो आप सर मैंने बहुत मिस कर आलू रहे का हैं। पराठा खाया, आलू का पराठा खाया मम्मी के हाथ का, जो कि बहुत फेवरेट है मेरा। और मैं हमेशा उसको, मतलब बाहर भी, मतलब जब मैं घर पे जाता था पंजाब, तब भी मैं खाता था। और राजमा चावल खाया आज मैंने, रसगुल्ले खाए, काजू कतली खाई मैंने। काजू कतली बाहर का कुछ ऐसा वैसा नहीं खाया, खाया घर का ही खाना। पर वो भी खा के इतना स्वाद आ रहा है, मम्मी के हाथ का खाना, काजू कतली खा के। और कल थोड़ी बहुत पार्टी भी हुई, तो बस वही सब, चिलीज चुलीज जो आती हैं थोड़ी बहुत, वही सब खाए। हमने देखा आपका आपका भरत मिलाप अंकित के साथ, जहां आप इमोशनल भी हो गए थे। बड़ा ही क्यूट मोमेंट था। क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, अंकित भाई को मैं बहुत मानता हूं और उनसे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, एक्टिंग हो, जिम करना हो। मैं बिग बॉस में जाने के लिए भी उनके थ्रू कनेक्ट हुआ मैं, तो हर चीज में उनका हाथ है। और मैंने बाहर से भी वो इतना सपोर्ट कर रहे थे, जबकि वो सोशल इतने एक्टिव नहीं होते हैं, बट वो प्रॉपर एक्टिव होके मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो और जब वो मिले तो फिर मैं हूं उनके लिए इमोशनल। तो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, मैं रोया नहीं बट मैं बहुत खुश था उनको हग करके। या इसके साथ एक और वीडियो जो है, जो ग्रैंड वेलकम जहां पर हुआ था, जब आप बिग बॉस से घर पहुंचे थे, तो जब आपका वेलकम हुआ था, उसी वीडियो में आपका एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, जहां पर आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि कल तक मैं विनर था, लेकिन वो आज उन्होंने कुछ कर दिया, रात में ऐसा कुछ कर दिया। तो उस चीज को आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे, वो क्या मैटर था और वो क्या बात थी जिसमें आपने ये वर्ड बोला है? अच्छा, अरे तो बेसिक, अच्छा वो ब्लॉग का पार्ट था माधव के। हाँ, जी तो बेसिकली क्या होता है, जब पंजाबियों में या बाकी जगहों पे भी, हमारे जैसे मैं स्कूल से फेल होके आ जाता था, तो मैं कहता था कि मैं तो पास था जी, उन्होंने फेल कर दिया। तो बेसिकली मैं पास था, किसी ने फेल कर दिया, कहने का मतलब। तो मुझे लगता है वो ऐसे गलत पोट रहे हो गया। मेरा मतलब ये था कि जैसे ऐसा होता है ना कि मैं एक कॉम्पिटिशन में गया था पर मैं हार गया, मेरे पापा मुझे मारे ना कि तू जीत के क्यों नहीं आया। मजाक में तो मैं ऐसे बोल रहा था कि कल तक तो मैं पास था, पता नहीं मेरे को टीचर ने, मुझे लगता है जितवाया नहीं, ऐसा वो वर्डिंग्स थी ऐसे। जब मुझे अब भी याद आया कि इस टाइम ऐसा रखा कि छोटा सा भी इधर उधर बोल दो या नॉर्मली भी मजाक कर दो तो वो फन थोड़ा गलत चला जा रहा है। बट ऐसा कुछ है नहीं, मुनावर ऑब्वियसली वो डिजर्विंग था, तभी उसको वोट्स आए और वो जीता। और मैं बहुत खुश भी हूं कि वो जीता है, कोई और जीतता तो दुखी हो जाता मैं। वो जो लाइन आपकी गई, ये तो ठीक था, कल तक मैं ही विनर था, सब यही उम्मीद करते हैं कल तक मैं ही विनर था, बट ये लाइन जो गई है कि वो आज कुछ उन्होंने कर दिया, तो ये लाइन पे थोड़ा ज्यादा वायरल, इससे ज्यादा वायरल वीडियो हो रहा है। जी मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि जैसे हम स्कूल में, जैसे मैं फेल हो जाता हूँ ना, तो मैं ऐसे बोलता था कि कल तक तो मैं पास ही था, आज टीचर ने कुछ कर दिया और मुझे फेल कर दिया। तो ये स्लैंग है बेसिकली कि मैंने, कि अपने आप को बचाने के लिए या पेरेंट्स के, वो मतलब एक मजाक फन मूड में मैंने बोली थी वो चीज। और वो फन मूड वाली चीज पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। और मैंने आज ही रील देखी है वो, पता है मुझे आज ही किसी ने भेजी कि ये कह, तो मैंने कहा यार मजाक मजाक को भी इस टाइम इतना वो चला जाता है, तो सोच समझ के बोलना पड़ेगा हर एक चीज की भाई। मजाक भी इस टाइम जी, सीरियस हो रहा है। चूंकि इतने खास दोस्त हैं आप, खास तौर पर मुनव्वर, तो शायद यही वजह है कि लोग उसको दूसरे वे में ले रहे हैं कि कि रातों रात क्या हो गया,
शायद ये वजह, मुनव्वर से कोई बात हुई आपकी अभी तक, या इस रील को देखने नहीं, के बाद कोई नहीं बात सर, हुई? अभी तक कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि वो भी बहुत बिजी था। एक ही बार बात हुई थी, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई है। बट हम जल्दी मिलने का प्लान करेंगे और स्टोरीज वगैरह डाल देंगे कि आप लोग देख लो कि हम मिले। हाँ, हम सर बातचीत चल रही थी आपकी रात को फिनाले के दिन, तब मुनव्वर ने ये बोला था कि डोंगरी चलना है अभिषेक, डोंगरी चलना है, तो आप नहीं गए? जी सर, वो फोन तो आया था बट मैं आई थिंक मैं उठा नहीं पाया या पता नहीं क्या मिस हो गया, क्योंकि उस टाइम अननोन नंबर्स बहुत कॉल आई हुई थी और फिर बाद में पता चला कि वो डोंगरी चला गया है। तो बट हम कोई बात नहीं, दोबारा से, और मैं भी अच्छा हुआ मैं नहीं जा पाया, वो बहुत बहुत ज्यादा भीड़ थी और मैंने देखा कि वो अभिषेक अभिषेक भी उसने वो करवाया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं होता तो मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिक थोड़ा सा फील होता कि भाई ये बड़ा अच्छा भी लगता है बट क्लोस्ट्रोफोबिक भी थोड़ा थोड़ा फील होता। बट उसका जो स्वीट, बहुत स्वीट जेस्चर था जो उसने थप्पी मार के अभिषेक अभिषेक बुलवाया। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने जो भी कहा, बट अभी जो लोग आपको ये वीडियो देखने के बाद जिस तरह से बातें चल रही हैं उस पर, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर यही बोलूंगा कि मजाक है, कभी कभी दोस्तों के साथ मजाक होता है और मेरी फैमिली थी, मेरे फ्रेंड्स थे, तो मजाक में मैंने बोल दिया कि कल तक तो मैं जीत ही रहा था, आज पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। वो मजाक में एक बोली हुई लाइन थी, उसको इतना सीरियसली ले लिया गया। तो प्लीज दोस्तों उसको मजाक में लो, क्योंकि मजाक में ही वो बोली गई चीज है और उसको मजाक में ही रहने दो तो ज्यादा बेटर है। तो बस यही बोलूंगा सर। आपने कहा था एक हाथ में, मतलब आई थिंक आज या कल ही कहा था आपने कि खानजादी से बहुत मिस कर रहा था मैं, सब कुछ बात हो पाई आपकी खानजादी से कुछ? नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ, अभी 1-2 दिन सेटल होने में लगते हैं। मैं आपके लिए भी फट से शर्ट वगैरह पहन गया, अभी मैं आके लेटा ही था और मैं शॉर्ट्स में चला गया था, तो मैं आपको बताया कि इंटरव्यू करना है, तो मैं फट से एकदम से रेडी हुआ कि हाँ एक इंटरव्यू करना है। तो अभी थोड़ा सा वैसा बिजी स्केड्यूल सा चल रहा है, फैमिली को टाइम दे रहा हूँ थोड़ा, उसके बाद फैमिली जाने के बाद, फैमिली कल जा रही है पंजाब, तो उसके बाद थोड़ा मिलता हूँ। अभी क्या प्लानिंग है? जैसे आपने कहा कि अभी फैमिली के साथ हैं, क्या कुछ प्लान हो रहा है? अभी कैसे स्पेंड करना है टाइम? और फिर अभी आप क्लिपिंग्स देख रहे हैं आपकी आपके खुद के बिग बॉस की, जो जी ऐसा ही हूं मैं वाला? सर, मैं वही देख रहा हूँ और वही देख के इतना खुश हो रहा हूँ कि यार इतना, मतलब इतना प्यार मिला और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट तब भी बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, कि छोटी छोटी चीजें इतनी वो हो रही हैं। बट मैंने प्लान कुछ तो किया है, अभी घर जाऊंगा, सबसे मिलूंगा जो जो मेरे सपोर्ट में थे, सबके साथ एक एक मीटिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा प्यार दिखाया है पंजाब से, प्लस बहुत चीजें लाइंड अप है, अब उनके उनके ऊपर काम करना है और आगे बढ़ना जिंदगी। ओके अभिषेक, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट ब्रो।